नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स असेसीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ई वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ नोटिसेज किसी प्रकार से एसएमएस के रूप में या मेल के रूप में रिसीव हुए। इस तरीके के किसी मैसेज का जो लिंक है वो जाता है ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 की ओर। तो एक करदाता को जिसको इस प्रकार का ई वेरिफिकेशन स्कीम का कोई नोटिस मिला हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये जाने कि व्हाट इज ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021, क्योंकि दोस्तों इस संदर्भ में एक स्कीम ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 में ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुकी। तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपके समक्ष ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 क्या है, इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसका स्कोप क्या है, ये कैसे काम करेगी और करदाता इसके संदर्भ में किस प्रकार अपनी इंफॉर्मेशन को इनिशियली चेक कर सकते हैं, ये विषय ये बिंदु लेकर के आपके समक्ष मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 को समझना, इसके बैकग्राउंड को समझना कि ये स्कीम पब्लिश हुई 13 दिसंबर 2021 को वाइड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इन अकॉर्डेंस विथ अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन दैट इज सेक्शन 135A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960। दोस्तों ये जो सेक्शन है 135A, ये इंसर्ट हुआ था टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 से, जो कि कोरोना काल में आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जो टाइटल दिया वो दिया है फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करने के लिए ये सेक्शन बना। ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 इसी सेक्शन के अंतर्गत नोटिफाई की गई, विच इज बेसिकली कवरिंग फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम असेसी एंड इट्स वेरिफिकेशन। The scheme shall be applicable to deal with the mismatch of information uploaded to the taxpayer's registered account. तो होगा क्या सर, इसे एक बेसिक रूप से आपको समझाऊं तो कि एज एन असेसी आपके कंप्लायंस पोर्टल पर कुछ इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अपलोड होगी, आपको वो इंफॉर्मेशन देखना है और अपनी रिटर्न से मैच करना है कि आपने वो इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी या नहीं रिपोर्ट करी। कई बार हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ इंटरेस्ट की इनकम थी जो मैंने अपनी रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करी और कंप्लायंस पोर्टल में ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, अब मुझे ध्यान आया कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में असेसी को एक मौका मिल रहा है कि वो अपनी इस इंफॉर्मेशन के संदर्भ में कुछ वेरिफिकेशन कर ले, ये एक तरीका। दूसरी बात यह है कि न केवल असेसी अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक स्पेसिफिक अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन को अपॉइंट किया जाएगा या कर दिया गया है, जो इस इंफॉर्मेशन को जो कि असेसी ने जिसे हाँ या ना कहा हो उसे डिपार्टमेंट के बेस से और जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है उससे मैच करके फाइनली इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि क्या उस इंफॉर्मेशन के रेफरेंस से असेसी के अगेंस्ट कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स बनती है या उसके अगेंस्ट कोई मैटर नहीं बनता। अब दोस्तों क्विकली आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम रख रहा हूं जो सेक्शन 135A में ही लिखे हैं। दिस स्कीम इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच प्रपोजेस फेसलेस इंफॉर्मेशन गैदरिंग एम्ड एट इंपार्टिंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी By eliminating the interface between the income tax authority and the assessee, यानी आपको सीधे अथॉरिटी से मिलने की जरूरत नहीं है, फेसलेस मैनर में ही ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी और आपका इनपुट लिया जाएगा। इट ऑल्सो सीक्स टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स रिसोर्सेज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये पूरी स्कीम जो है सर वो फेसलेस मैनर में अंडर सेक्शन 135A ऑपरेट होगी। अब दोस्तों यदि आप सेक्शन 135A सेक्शन पर जाएंगे तो आपको इस स्कीम का स्कोप मिलेगा कि ये स्कीम कौन से सेक्शंस को यूज करके ओवरऑल बनाई गई है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो वेरियस सेक्शंस हैं उनमें सेक्शन 133 पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, इसी प्रकार 133B, 133C, 134 एंड 135 सेक्शन में भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर रहती है। इन सारे सेक्शंस का मिलाजुला स्वरूप ये इस स्कीम के रूप में लागू है। क्या मिलाजुला स्वरूप है? जैसा मैंने पहले बोला कि आपके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास में है, डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को आपको फेसलेस मैनर में ऑनलाइन अवेलेबल कराएगा, आप उस इंफॉर्मेशन पर अपनी कमेंट करेंगे, उसके बाद
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही एक टीम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जिसे आपने हाँ या ना किया और उसके संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो उनको ध्यान में रखते हुए फाइनली उस मैटर को किस लेवल पर क्लोज करना है, क्या कोई असेसमेंट करना है या कोई इंक्वायरी आगे नहीं बनती, कोई मैटर असेसमेंट आगे का नहीं बनता, इस प्रकार से क्लोज करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अनूप जी ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम है इसके लिए डेटा कहाँ से आ रहा है? तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि ये स्कीम जो एप्लीकेबल होगी, दिस स्कीम शैल बी एप्लीकेबल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल विद द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और मेड अवेलेबल टू देम बाय द फॉलोइंग अथॉरिटी। तो होता क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लवाजमा दोस्तों बहुत बड़ा है और इस लवाजमे में बहुत सारी अथॉरिटीज, जिनमें स्पेसिफिकली बोलूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या जो ज्यूरिसडिक्शन कमिश्नर हो सकते हैं या सीपीसी का सेल, जिनके पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, वो अपना सिस्टम जो इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट हुई है वो शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम को, क्योंकि वो ऑनलाइन इस सारी मॉनिटरिंग को देखते हैं। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, आपको इन अथॉरिटीज के नाम वगैरह में नहीं उलझना, केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि कंसर्न अथॉरिटीज मिल करके एक डेटाबेस बनाती हैं, वो डेटाबेस के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई वो करदाता से शेयर की जाएगी और उसके कमेंट मांगे जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी बोला कि इस स्कीम में इलेक्ट्रिक कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा होगा, फिर भी पुनः ये बात कहना चाहूंगा, एज पर ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 द गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड द इनकम टैक्स ऑफिस टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलेवेंट टैक्स पेयर एंड रिकनसाइल इट विद द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड। होता क्या था दोस्तों, पहले एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती थी तो डिपार्टमेंट असेसी की रिटर्न से उसे मैच करने के लिए या बहुत सारी डिटेलिंग में नहीं जाता था। टैक्स चार्टर जहां से आया वहां से सरकार ने बोला कि हाँ साहब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम करदाता के साथ शेयर करेंगे। ये भी उसी टैक्स चार्टर के अनुरूप बनाई गई एक स्कीम है कि डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट वो इंफॉर्मेशन असेसी के साथ करदाता के साथ शेयर करेगा, करदाता अपना कमेंट कर दे कि हाँ साहब इंफॉर्मेशन सही है गलत है, गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो उसका नेसेसरी टैक्स पे कर दिया गया है या किया जाएगा। एंड इन केस एनी मिसमैच इज फाउंड बिटवीन द अमाउंट रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर एंड द अमाउंट रिपोर्टेड आफ्टर सच फर्स्ट ई वेरिफिकेशन द इंफॉर्मेशन कुड बी पास फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि न केवल यहां पर करदाता के कमेंट लिए जाएंगे उस सूचना पर जो डिपार्टमेंट उससे शेयर कर रहा है, यदि करदाता ने जो भी अपना रिस्पॉन्स दिया हो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर यदि डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं फर्दर कार्रवाई की जरूरत है तो फिर इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग तक वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि उस करदाता पे यदि कोई और रिकवरी की कार्रवाई, असेसमेंट की कार्रवाई बनती हो तो वो भी फर्दर की जा सके। अब दोस्तों क्विकली आपके सामने प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रिक कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रख रहा हूं कि ये स्कीम में आप ऐसा समझे कि सबसे पहले जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन असेसी की है वो करदाता से यानी असेसी से शेयर की जाएगी, जो असेसी से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी और डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अवेलेबल होगी, इन कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करने के बाद में एक इनिशियल ई वेरिफिकेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन जो अथॉरिटी है उनकी ओर से किया जाएगा। मान लीजिए एसएससी को बताया गया कि आपका इंटरेस्ट इनकम है, आपका कमीशन इनकम है, आपका ब्रोकरेज का इनकम है और एसएससी ने उस इंफॉर्मेशन को माना और उसने बोला कि हाँ साहब मेरा इस पे ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है या मेरी प्रॉपर्टी परचेज है, मैंने इन इन सोर्सेज से परचेज करी है, मेरी वेरीफाइड सोर्सेज है, तो एक इनिशियल ई वेरिफिकेशन डेटा का कर लिया जाएगा। अब इनिशियल ई वेरिफिकेशन करने के बाद में एक रिस्क एनालिसिस किया जाएगा कि क्या जो असेसी ने इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पर इस केस में कोई रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व है, रिस्क का कोई क्राइटेरिया सिबिलिटी तय करती है। तो एनालिसिस ऑफ रिस्क पर खरा होने के बाद अगर लगता है कि हाँ अर्दाता करदाता ने ड्यूली अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि असेसी ने ड्यूली अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं करी या उसके रेवेन्यू सोर्सेज प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है तो फिर वो मैटर एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भी आगे बढ़ सकता है और प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद बाद यदि जरूरत पड़ती है तो एक फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि
कि न केवल करदाता उस इंफॉर्मेशन पर अपने कमेंट करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन के थ्रू। यदि उन्हें लगता है कि मैटर में कोई दम नहीं है, टैक्स लायबिलिटी ड्यूली पेड है, तो ड्रॉप कर देंगे, कार्यवाही पर आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि उन्हें लगता है कि नहीं साहब, यहां पर तो कुछ मेटेरियल टैक्स लायबिलिटी का अवॉइडेंस इवेजन का मैटर इन्वॉल्व है, तो ऐसी परिस्थिति में उस इंफॉर्मेशन को लेकर के फाइनली आगे की कार्यवाही, अब आगे की कार्यवाही क्या होगी ये स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं। मान लीजिए कोई असेसमेंट पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग असेसमेंट के दौरान ही ये इंफॉर्मेशन और शेयर कर दी जाएगी असेसिंग ऑफिसर को, या डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं अभी एसएससी का असेसमेंट खोल दिया जावे, तो असेसमेंट खोलने की भी कार्यवाही हो सकती है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं। नाउ वेदर पर्सनल अपीयरेंस विल बी रिक्वायर्ड और नॉट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आप समझ ही गए होंगे कि अनुप जी, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से फेसलेस है, तो नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अपियर पर्सनली और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर पर्सनल अपियरेंस इज रिक्वेस्टेड बाय सच पर्सन, डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेगा आपको पर्सनल अपियरेंस के लिए, आपको लगता है नहीं मुझे अपनी पक्ष को रखना है पर्सनल अपीयरेंस से, तो ऐसी परिस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के थ्रू आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा सकता है। अब दोस्तों क्यूरियोसिटी ये भी होगी कि अनुप जी मुझे कैसे पता चले कि मेरे पर्टिकुलर संदर्भ में एज एन असेसी कोई ऐसी ई वेरिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन तो पेंडिंग नहीं। तो दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स लॉगिन किया, यहां आपको अपना नाम अपने क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, पेंडिंग एक्शन में आपको कंप्लायंस पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ई वेरिफिकेशन, आपको ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है सर। जैसे ही आप ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट विंडो मिलेगी, इस नेक्स्ट विंडो में लिखा होगा ई वेरिफिकेशन, ऑन क्लिक ऑफ प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द कंप्लायंस पोर्टल। आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सर, आपको कंप्लायंस पोर्टल जो कि एक दूसरी विंडो के रूप में खुलेगा वहां ले जाया जाएगा। अब मान लेता हूं आपने वहां पर कंप्लायंस पोर्टल के लिए ओके कर दिया, तो ये सर कंप्लायंस पोर्टल आपका खुल गया। इस कंप्लायंस पोर्टल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई वेरिफिकेशन, यदि इसमें इस प्रकार से 1 या 2 कोई डेटा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप समझिए कि हाँ आपके संदर्भ में भी कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर है जो आपको चेक करनी है। यदि ये 0 है, यानी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो फाइनली दोस्तों ये ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इसे ऐसा भी कंक्लूड करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि इन रीसेंट पास्ट असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ऐसे ई वेरिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड असेसीज को एसएमएस या ईमेल मिले हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू है जो पे होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, तो आपको ये भी विचार करना चाहिए कि असेसमेंट ईयर 2021 या 21-22 के संदर्भ में अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन भी अभी करदाता को उपलब्ध है। तो डिपार्टमेंट का इशारा कहीं ना कहीं अपडेटेड रिटर्न की ओर भी है कि देख लीजिए भाटिया जी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ तो करी है, मुझे करेक्शन करना है, तो क्यों ना आप अपडेटेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के और अपनी ड्यू टैक्स लायबिलिटी पे करके किसी प्रकार से अगर कोई प्रोबेबल टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो उनसे फ्री हो जाए। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।